अपडेट्स, काउंसलिंग, टीचिंग यहाँ मिलेगा सब. स्टूडेंट्स जस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हब. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलावा भारत में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं जहां बेहतर शिक्षा व्यवस्था है? तो जी हां, इस प्रश्न का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर के आया हूं. आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें. बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते रहते हैं कि सर BHU के ऊपर तो बहुत सारा आपने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, लेकिन और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको आप कवर कर सकते हो. और मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम हिंदुस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मैं कवर करने की कोशिश करूं. तो चलिए आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि कॉलेज लाइफ की जैसे ही बात आती है तो हर किसी की ये भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ही पढ़ाई करे. क्योंकि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज कभी भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का मुकाबला नहीं कर सकती. क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उनको बहुत सारी फंडिंग देती है, उसके साथ ही साथ जितनी सारी फैसिलिटीज़ और चीज़ें चाहिए एक यूनिवर्सिटी को, एक अच्छे कॉलेज को, उतना एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज कभी नहीं कर पाता है. तो चलिए इस चीज़ का ध्यान खास रखिएगा. और एक और अच्छी बात है कि आपके पास जब ऑप्शन होते हैं तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा, कभी भी आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा और आपके लिए रास्ते खुले रहेंगे तो फिर अच्छा होगा, आपका करियर उसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, बनता चला जाएगा. शुरू करते हैं BHU के अलावा और बाकी यूनिवर्सिटीज़ पर नज़र डालते हैं. और इन सभी मैक्सिमम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आपके जो एडमिशन होते हैं वो या तो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन प्रोसेस है और कुछ में आपके 12th मार्क्स के बेसिस पर भी एडमिशन मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम में जो है वो आपको आपके 12th क्लास के मार्क्स पर नहीं बल्कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे करके क्वालिफाई करना होता है, फिर एडमिशन होता है. तो चलिए इस नंबर में सबसे पहले बात करते हैं बनारस के बगल में एक शहर इलाहाबाद, जिसका अब नाम प्रयागराज हो चुका है, और वहीं ये विश्वविद्यालय स्थित है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड भी कभी कहा जाता था, तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. इसी कड़ी में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जो पौंडीचेरी में है, जो एक केंद्रशासित प्रदेश भी है, बहुत बढ़िया है और फॉरेन लैंग्वेज के मामले में यहाँ पढ़ाई बहुत बेहतर होती है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में. इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है और बहुत ही बढ़िया सुविधा, और इसमें कोर्सेस, कैंपस और बाकी चीज़ों की बात करें, शिक्षा गुणवत्ता की बात करें, तो ये यूनिवर्सिटी भी बहुत बेहतर है. इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली से लगभग 3 घंटे की दूरी पर है, ये यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय भी काफ़ी बेहतरीन है और यहाँ भी शिक्षा गुणवत्ता बहुत बेहतर है और यहाँ भी बच्चों को एडमिशन जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर दिया जाता है. आगे चलते हैं ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, और ये यूनिवर्सिटी भी बहुत बेहतरीन है शिक्षा व्यवस्था और बाकी चीज़ों की बात करें तो. ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री वेयर यू पीपल कैन टेक एडमिशन. अगला है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो ये भी हैदराबाद में है और बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है. इसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, जो कि भारत की आर्थिक कैपिटल मुंबई में स्थित है एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और एक समय होता था जब ये विश्व के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में गिना जाता था, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई. देन इट कम्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है, और शिक्षा गुणवत्ता की बात करें तो यूनिवर्सिटी बहुत ही बेहतरीन है. रिसर्च पर्पस हायर स्टडीज़ के वैल्यू को देखते हुए ये यूनिवर्सिटी जवाहरलाल विश्वविद्यालय बहुत ही बेहतरीन है. देन इट कम्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट. देन इट कम्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप इसको नकार नहीं सकते, इतना बड़ा कैंपस और 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट रेगुलर एज वेल एज इसके डिस्टेंस कोर्सेज में पढ़ाई करते हैं. इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, इसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी है जो कि वेस्ट बंगाल में है. ऑलराइट, इसके साथ ही साथ और भी कई सारी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा में है, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही बढ़िया है जहाँ पे
आप एडमिशन लेकर के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। मान लिया जाए, आपको पता है कि हर एक यूनिवर्सिटी में सीटें जो है वो बहुत ही सीमित होती है। अब मान लिया जाए 1,00,000 एप्लीकेंट किसी भी कोर्स में अप्लाई करते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि 1,00,000 सीट कभी हो ही नहीं सकती एक कोर्स में, एक यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए आपको सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन लेकर के चलना होगा, क्योंकि आप ही में से जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे, जो सबसे अच्छे मेरिट वाले होंगे, उनका एडमिशन पहले चॉइस पे होगा, उसके बाद में आपको दूसरे और तीसरे चौथे चॉइस के लिए जाना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं समझता था कि इस एक तरीके से बीइंग अ करियर काउंसलर, बीइंग अ मेंटोर, सभी स्टूडेंट को ये बता देना बहुत ही आवश्यक है कि और भी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में पढ़ाई करने से पहले या एडमिशन लेने से पहले 10 बार सोच लिया कीजिए। उससे पहले हर संभव, हर कोशिश आपकी होनी चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आप सभी से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोग तक शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक।